स्वच्छता एवं साफ सफाई के क्षेत्र में हमारे ग्राम और पंचायत के सभी नागरिकों का अहम योगदान है। हम सभी के प्रयासों से न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में बदलाव आया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्राम से हमारे प्रयासों की काफी बल मिला है और सामुदायिक स्तर पर ट्रिंगरिंग तथा अन्य माध्यमों से खुले में शौच होने वाले कुप्रभाव पर जन जागरूकता में वृद्धि भी हुई है। खुले में शौच से मुक्त ग्राम और पंचायत बनाने का हम सभी का सामूहिक निर्णय आने वाले समय में न सिर्फ स्वास्थ्य के स्तर पर बदलाव लाएगा बल्कि इससे हमारे जीवन स्तर में निश्चित बदलाव आ रहा है। प्रत्येक माह के 2 तारीख को ग्राम स्तर पर स्वच्छता सभा तथा माह के प्रत्येक 19 तारीख को स्कूल एवं आंगनबाड़ी के स्तर पर स्वच्छ दिवस निरंतर आयोजन किया जा रहा है। निरंतर चर्चा तथा आपसी प्रयासों से विगत वर्षों में स्वच्छता सुविधाओं में संतोषप्रद वृद्धि हुई है। समय समय पर हमारे द्वारा सफाई अभियान के संचालन में धर्मस्थलों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की स्थिति में काफ़ी सुधार आई है तथा साथ ही साथ ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे पंचायत में पूर्व से ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है। हम पारंपरिक रूप से घर के कचरे का निपटान कंपोस्ट गड्ढे में डालकर तथा तरल कचरे का निपटान किचन गार्डन में करते आ रहे हैं। चापाकल एवं अन्य जल स्रोतों का बेकार पानी सामुदायिक सहभागिता तथा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा मदों से सोखता गड्ढा कर निर्माण कर उसके पानी संचयन भी किया जा रहा है। ये ग्रामीण इलाकाओं का स्वच्छ सर्वेक्षण किया जा रहा है जो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जाएगा। उसमें जो हमारे गांव है, पंचायतें हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसकी साफ सफाई और स्वच्छता को लेके कुछ क्वेश्चनर्स हैं जो कोई भी 10 गांव में सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के टीम आ करके क्वेश्चनर में सवाल पूछे ना, उसमें कई सारे सवाल हैं जैसे स्वच्छता का क्या स्टेटस है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है, कचरा उठाव का क्या स्टेटस है, तो कई सारे पॉइंट्स उसमें जुड़े हुए हैं और सरकार के तरफ से और विभाग के तरफ से हम लोग का यही प्रयास है कि रामगढ़ क्योंकि पहला ODF जिला था तो हम लोग सर्वेक्षण में भी अच्छे रैंक पूरे देश में ये किया जा रहा है। आई थिंक थोड़ा ये हमारे लिए चैलेंज है, अगर आप कई अदर स्टेट्स से कंपेयर करेंगे या साउथ के स्टेट से या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के कंपेयर करेंगे तो वहीं के जिला बहुत समय से टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं और उनके एरियाज़ में बहुत पहले से ही स्वच्छता को लेके और कचरे का प्रबंधन को लेके कई सारे योजनाएं और पहल किए गए हैं और यहाँ क्योंकि थोड़ा लेटर स्टेज में चालू हुआ है और अभी भी बहुत सारा काम बचा है कचरा प्रबंधन को लेके करने के लिए, तो हम लोग ने मुखिया स्तर का वर्कशॉप में भी ये बिंदु रखा है कि सिर्फ शौचालय यूज़ करना ही नहीं लेकिन सार्वजनिक स्थलों और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, स्कूलें हैं, अस्पतालें हैं, मंदिर हैं, तो वहाँ पे भी शौचालय का इस्तेमाल होना चाहिए, शौचालय का प्रबंधन होना चाहिए और ख़ास करके जो कचरा इधर उधर फेंका रहता है उसका एक सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए ताकि पूरे तरीके से हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ रहें। तो इसी के पहल के तहत ये रथ को छोड़ा गया है और आशा करते हैं कि हमारे जितने भी ग्रामीण मुखिया है और ग्रामीण जनता है हमेशा उनका सहयोग से रामगढ़ काफ़ी अच्छा स्थान पे है लेकिन इसमें भी हम लोग चाहेंगे कि वो लोग साथ दें, अपने अपने इलाकों को साफ करें, साफ रखें और अच्छा रैंकिंग। रामगढ़ में पहली बार AC मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स बार्गेन बाजार के पीछे रामगढ़ कैंट रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975 9386403891। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें
और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है